दोस्तों मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीसीसी वर्सेस आरबीसीसी के बीच में होने वाला 27 T20 मैच के बारे में। तो दोस्तों ये जो मैच है भारत के टाइम के अनुसार 9 बजे खेला जाएगा और ये मैच स्टार्ट होने में लगभग अभी भी 1.5 घंटा बचे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा विकेट कीपर आपके लिए बेहतर होगा और किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन बनाया और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में कितने रन बनाए और कितने विकेट लें और गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर कौन है और यहाँ पर डेथ ओवर्स पे बॉलिंग कौन करेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर देने वाला। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, जाके दोस्तों @शत्रुघ्न225 जाके सर्च कीजिएगा। सर्च करते आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 1216 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। एक और प्रोसेस है दोस्तों, क्रिकेट विद एससी भी जाके सर्च करेंगे तो मेरे चैनल से हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर विकेट कीपर को पिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीबीसीसी के यहाँ पर 2 विकेट कीपर है। पहला जो विकेट कीपर है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लाल रोहित टेढ़ेका। अगर इनकी बात करें इनका जो बेस्ट स्कोर है 37 22 रन और यहाँ पर 10 रन है दोस्तों यहाँ पर। और वही जी एंडरसन की बात करें, एक मैच खेले दोस्तों यहाँ पर 0 पे आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपेयर करेंगे आरबीसीसी टीम से। आरबीसीसी टीम की बात करें दोस्तों यहाँ पर वन लाल है दोस्तों, यहाँ पर वन लाल रुया। अगर इनकी बात करें 51 रन है, 27 रन है, उसके बाद 20 रन है और 13 रन इनका बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद एक और प्लेयर है दोस्तों एल राल्टे है। अगर इनकी बात करें 38 शतक है, 55 रन, 15 रन, 14 रन है। उसके बाद यहाँ पर काबंग की बात करें, एक मैच खेले प्लेइंग 11 में थे लेकिन कुछ मौका नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर राल्टे नहीं तो वन लाल रुया को आप अपने टीम में कन्फर्म कर सकते थे। यहाँ पर वन लाल रुया नहीं तो लाल रोहित टेढ़ेका है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन वन लाल रुया आपको यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन की बात करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट बैट्समैन में देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर बैट्समैन को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर जोहन लालबिया कीमा है दोस्तों यहाँ पर। अगर इनकी बात करें बहुत अच्छी फॉर्म में, पूरे 8 मैचेस की स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 4 रन 2 विकेट है दोस्तों यहाँ पर, 32 रन 1 विकेट है। फिर यहाँ पर नहीं खेले और 4 ओवर में 2 विकेट, 24 रन है, 4 ओवर में 4 विकेट यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इनको आप बैट्समैन समझ के नहीं, ज़्यादा यहाँ पर गेंदबाज समझ के लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्कोर भी बना रहे हैं 32 रन 24 रन है, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्कोर तो नहीं निकल रहा, लेकिन विकेट कंपलसरी है इनको लेने के लिए। तो यहाँ पर आप इस प्लेयर को कन्फर्म कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एल्बर्ट रामतरन पुया की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 मैच नहीं खेले तो आप इनको अवॉइड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जोरन पुया हर्षल की दोस्तों यहाँ पर, इनको भी अवॉइड कीजिए, बहुत सारे मैचेस नहीं खेले। उसके बाद वन लतन फार्म की वहाँ की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 रन 0 विकेट है, 3 ओवर में 2 विकेट है, 2 ओवर में 1 विकेट, यहाँ पर 1 ओवर में कोई विकेट है, 4 ओवर में 2 विकेट है और 1 ओवर में कोई विकेट है, 6 रन। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्लेयर को भी आप अपने टीम में ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों लाल रन टोयोटा की बात करें अवॉइड कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद वन लास्ट रोहित तेलंगा की बात करें, एक ही मैच खेले 46 रन बनाए, अगर ये खेलेंगे दोस्तों तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। वन लाल रिंजोला की बात करें, बहुत सारे मैचेस निकले, 7 रन 14 रन 3 रन का बेस्ट है तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर चौहान लालबिया कीमा है दोस्तों यहाँ पर, आप इनको ले सकते हो। उसके बाद वन लतन फॉर्म खीमा है दोस्तों, आप इनको भी ले सकते हो अपने टीम में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वन लाल रोहित तेलंगा है दोस्तों यहाँ पर, आप इनको भी अपने टीम में कन्फर्म कर सकते हैं। 3 प्लेयर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और टीम है सीबीसीसी, यहाँ पर चिंगा वेंग क्रिकेट क्लब की। तो यहाँ पर बात करें लालटेन पुया है दोस्तों यहाँ पर, अगर इनकी बात करें देख सकते हैं यहाँ पर 32 रन 19 रन 18 रन बनाए, एक ही मैच नहीं खेले, उसके बाद हर मैच खेल रहे हैं तो यहाँ पर एक अच्छा साइन है दोस्तों, आप इनको ले सकते हो। आकाश सिंह की बात करें, लास्ट 4 मैचेस से नहीं खेल रहे हैं। और वन लाल रुआटा की बात करें, 1 रन है दोस्तों, 10 शतक है, 34 रन से 22 26। तो यहाँ पर वन लाल रुआटा भी एक अच्छे ऑप्शन होने वाला है हम लोग के लिए। यहाँ पर लालटेन मुआना की बात करें दोस्तों, 2 रन 12 रन 0 1 रन है। गौरव सिंह की बात करें, अभी तक तो नहीं खेले दोस्तों, 43 मैच में 702 रन और 2 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर वन लाल रुआटा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लालटेल पुया है दोस्तों, आप इनको ले सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन को पहले कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे प्लेयर की स्टैट्स आपको मैंने बताया, लालबिया कीमा आपको बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। वनलाल फॉर्म कीमा है दोस्तों यहाँ पर, इनको आप ले सकते हो अपने टीम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किक्के वनलाल रुआटा, यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 बैट्समैन आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स को लेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों ऑलराउंडर्स की स्टैट्स भी कंपेयर कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स में बात करें, यहाँ पर लाल हेड में यार आल्टे है दोस्तों, यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन राइट मीडियम बॉलर है, 18 रन एक विकेट है, 2 विकेट है दोस्तों यहाँ पर, 4 ओवर में 2 विकेट, यहाँ पर कोई विकेट है, 3 ओवर में 1 विकेट, बड़ा स्कोर तो नहीं है दोस्तों इनके पास, लेकिन विकेट से कंपलसरी ले रहे हैं। उसके बाद सुमित लाना की बात करें दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 0 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 7 रन 3 विकेट, 4 ओवर में 2 विकेट, 48 रन, 2 विकेट, 45 रन, उसके बाद 11 रन 1 विकेट यहाँ पर है, 29 रन है। तो दोस्तों यहाँ पर इनको जरूर टीम में कन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं ललन तुरंगा, अगर इनकी बात करें 66 25 28 रन, 4 ओवर में 2 विकेट, 4 ओवर में कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 2 विकेट, 15 रन और यहाँ पर 12 रन। तो दोस्तों कैप्टन भी है अच्छे फॉर्म में, आप इनको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर राय छेत्री की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 ओवर में कोई विकेट नहीं, 2 ओवर में 1 विकेट, 12 रन, उसके बाद बहुत मैचेस नहीं खेले, लास्ट मैच खेले 0 पे आउट हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर अब 2 ऑलराउंडर आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला ऑलराउंडर है दोस्तों यहाँ पर सुमित लाना है, उसके बाद यहाँ पर लल्लू तुलंगा है दोस्तों, कैप्टन आप इनको भी ले सकते हो अपने टीम में, 2 ऑलराउंडर आपके लिए मोर देन बेटर है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कंपेयर करेंगे आरबीसीसी के ऑलराउंडर से, आरबीसीसी ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पर जो पहला ऑलराउंडर था दोस्तों जोसेफ लतन के ह्यूमा है दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लास्ट 4 मैचेस से नहीं खेल रहे, 3 ओवर में 2 विकेट, 17 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रूबेन लालरुजिला की बात करें, 7 रन 1 विकेट है, 3 ओवर में 1 विकेट, 37 रन है, 1 ओवर में 1 विकेट, 18 रन है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेयर जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत मैचेस नहीं खेले, तो यहाँ पर अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद लाल रोड पिला की बात करें, 1 मैच खेले 1 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर रेमुद का राल्टे की बात करें दोस्तों, लास्ट 3 मैच नहीं खेले, 19 रन 1 विकेट, फिर 19 रन 1 विकेट, 57 रन 1 विकेट है, 4 ओवर में 2 विकेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर मैच में ये भी विकेट लेना है, तो यहाँ पर राल्टे आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद वनवल स्वामा की बात करें दोस्तों, लास्ट 3 मैचेस नहीं खेल रहे, तो अवॉइड कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा बॉलर को लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एस लामा बहुत इंपॉर्टेंट है, एस राल्टे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर लालू तुलंगा है दोस्तों, आप इनको ले सकते हैं। लालरी जिला को अगर लेना तो लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ये 3 बॉलर के 3 ऑलराउंडर के साथ मैं जरूर जाऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजों को पिक करेंगे यहाँ पर, तो गेंदबाजों की बात करें, स्टैट्स अच्छे से देख लीजिएगा। तो आरबीसीसी के पहला जो बॉलर है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लालटन माविया है, अगर इनकी बात करें लास्ट 2 मैच में 2 विकेट 3 विकेट नहीं है, फिर यहाँ पर कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 1 विकेट 0 विकेट, 3 ओवर में 1 विकेट है, तो यहाँ पर अच्छे बॉलर है दोस्तों, यहाँ पर इनको आप कंफर्म कर सकते हो। उसका लाल ट्रेन पहला जाडन की बात करें, 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 4 ओवर में 3 विकेट, 3 ओवर में 1 विकेट, तेन यहाँ पर 3 ओवर में 2 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये विकेट टेकर बॉलर है, आप इनको कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद रेमरुएट पेला की बात करें, बहुत मैचेस ये भी नहीं खेल रहे हैं और इनको विकेट भी नहीं मिला, तो आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वन रोल तिलंगा की बात करें, 8 मैच में 76 रन 5 विकेट है। मलसा एमजेला की बात करें, 17 मैच में 195 रन 15 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स की ये हाल है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सी वी सी सी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो पहला बॉलर है रोशिया मिलाना राल्टे की बात करें, आप देख सकते हैं 1 रन कोई विकेट नहीं 1 विकेट 2 विकेट, 4 ओवर में 2 विकेट 4 ओवर में 2 विकेट 6 रन, 1 ओवर में कोई विकेट नहीं 4 रन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है दोस्तों रिन संगजेला, 2 रन कोई विकेट नहीं 1 विकेट, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही मैच में इनको विकेट मिले, यहाँ पर 3 मैच नहीं खेले, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इनको अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लालटन मावा है दोस्तों, यहाँ पर अगर इनकी बात करें लास्ट 2 मैच से 2 रन 1 विकेट 3 विकेट है, यहाँ पर बहुत मैचेस नहीं खेला, अगर ये खेलता है तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। विलियम पुचाओ की बात करें, आप अवॉइड 100% कर सकते हैं, 1 ही मैच खेले 6 रन है, तो यहाँ पर इसको अवॉइड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों टीम के बॉलर्स को मैंने कंपेयर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको किसको पिक करना चाहिए मैं बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जडेंगे एक अच्छे बॉलर है, आप इनको ले सकते हो अपने टीम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है राल्टे जूनियर, लालटन मावी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद मैं बोलूंगा दोस्तों एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर लालरी जेला को पिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक मेरे अच्छे टीम बन गया, कैप्टन में एस लामा जरूर रहेंगे मेरे टीम में, और वाइस कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर आपको लाल भी कीमा है दोस्तों, आप इनको वाइस कैप्टन ले सकते हो। एक बार टीम पर भी अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन इसमें पहले कैप्टन लामा और यहाँ पर लाल भी कीमा है यहाँ पर दोस्तों। तो 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर 3 गेंदबाज है दोस्तों। इस टीम को आप सेव करके रखिएगा दोस्तों, फाइनल टीम जो होगा टेलीग्राम पर दूंगा, क्योंकि मैं एक बार पूरे स्टैट्स को चेक करूंगा दोस्तों, क्योंकि पूरे स्टैट्स देख के मैंने फाइनल टीम बनाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस टीम को सेव करके रखे, 1 या 2 बदलाव जरूर होगा दोस्तों, वो फाइनल टीम दूंगा और वहाँ पर टेलीग्राम पर आप 100% विनिंग करोगे। अगर आपको जीतना है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको मैं फाइनल टीम दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।